जब रामटेक में पहुंचा, आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी इतने सालों के बाद आपके पास आने को मिला और आपने कोई सोचा ही नहीं कि मेरी क्या हाल और क्या दशा है। तो आचार्य ने कहा, सोचने की जरूरत नहीं, पतंग कितनी ही ऊंची उड़ती जाए, डोरी तो मेरे हाथ में थी, तुम कहाँ उड़ के जाते हो। वो स्मरण आते कितनी सरलता से, बोले पतंग को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और गुरु को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतंग कितने भी ऊंची उठेगी, डोरी तो तुझे, तू कहीं बाहर नहीं था, मैं तुझे उड़ा करके आनंद ले रहा था और तू उड़ने में आनंद ले रहा था। गुरु के पास डोरी थी, अब बिना डोरी की पतंग, पतंग उड़ाने वाले जानो, गुरु डोरी समान।